ki ye saare saati. ये देखिए मैडम, है ना कमाल, कलर प्रिंट फैब्रिक जो नाम लीजिए सब A1. क्या A1 साड़ी है ये? हाँ, कितनी बकवास है ये, कुछ और दिखाइए. मैडम ये देखिए, ब्यूटीफुल. ठीक, इसको हटाइए, इसको पहनूंगी तो मेरी नाक ना कट जाएगी. इतनी बढ़िया साड़ी है ना ये, इसको पहन के ना मैं कितनी ब्यूटीफुल लगूंगी. हाँ, बहुत ब्यूटीफुल लगोगे. मैं तो कहता हूँ साड़ी के साथ पुतली भी लेके जाओ. कैसी बात कर रहे हो आप, ये साड़ी तो मुझे चाहिए ही चाहिए. अलौकिक, बहन जी को साड़ी पसंद आ गई है तो उसे बढ़ा के बोलना और कीमत कम मत करना, समझे? मैडम, है ना साड़ी कमाल की. आपको पता है ये साड़ी तो अवस्थी साड़ी भंडार की नाक है, नाक. और ये साड़ी पहन के आपकी नाक कतई नहीं कटेगी. सरगम की ये सारे साथी. अरे यहाँ रुक. अरे अरे अंकल जी, अरे लड़ जाएगी, अरे लड़ जाएगी, हैंडल लड़ जाएगी, अरे हैंडल छोड़े, लड़ जाएगी, लड़ जाएगी, अरे लड़ जाएगी. कहाँ गया वो? वो ऑटो रिक्शा वाला कहाँ गया? कहाँ है? अबे रत्तड़, खाली खोपड़ बंद बुद्धी. मैंने तुझे बोला था कि वो जूस वाले के उस बाजू रोकना, तू यहाँ तक खींच लाया तेरी रिक्शा को. अरे हुआ जगह नहीं तो तुम कहाँ करते, थोड़ा आगे बढ़ा लिए. थोड़ा थोड़ा? अरे जूस वाले के वहां रुकना तो 40 रुपए होते. महीने में एक दो बार जाता हूँ मैं रिक्शा में. यहाँ जाने 42 रुपए हो गए. भगवान, क्या कर दिया तूने, सारे मटके तोड़ दिए मेरे तूने. अरे हमारा काला नहीं भैया, इनका पकड़ो, ये हैंडल घुमा के रोकेगा नहीं. हाँ तो तू हैंडल घुमा के नहीं रोकेगा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना. हाँ तो दीदी क्या तरीका है? हाँ मतलब पीछे की सीट पे बैठ के आगे से हाथ घुमा के ड्राइवर के आगे आके हैंडल घुमा के गाड़ी कौन रोकता है? ये मैसा ऐसे ही ऑटो रोकते है का? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे मटके का पैसा दो. हाँ उसके बाद से लो, गलती उसकी है. लेकिन ये कह रहा है कि हैंडल आपने घुमाया. अरे तो मुझे ही घुमाना पड़ेगा ना हैंडल. अगर ये नहीं घुमाएगा, ये नहीं रुकेगा तो मुझे ही करना पड़ेगा. और क्या मटका मटका कर रहा है ये, तो गनीमत समझ के एक्सीडेंट हुआ लेकिन तेरी जान नहीं गई, वरना इसी मटके में जाता हरिद्वार. एक मिनट, ये ले. हाँ, ये तेरे पैसे ले ले, ये ले तेरे 40 रुपए. ऐसा है, ईमानदारी का 42 रुपया बना है अंकल जी, पूरा दीजिए. 2 रुपया नहीं मिलेगा दीदी. उसकी और भी मत देख, वो भी 2 रुपया नहीं देगी. मैडम, वो आपके लिए जूस आ रहा है, थोड़ा रुकिए ना. वो छोटा भाई है ना मेरा अलौकिक, वो गया आपके लिए जूस लाने. अच्छा, मेरा जाने का डिसाइड हुआ था क्या? भाई तू गया नहीं अभी तक. जाता हूँ जाता हूँ, आपके लिए लेके आता हूँ. ऑरेंज साड़ी पसंद थी ना आपको, ऑरेंज जूस लाता हूँ. 500 रुपया? पापा अब इनका नुकसान. सरगम, मैंने 2-2 रुपया छोड़ के घर बनाया है, अपनी दुकान बनाई है. सालों पहले वो गुप्ता को जो एक दुकान बेचनी पड़ी वो भी तो वापस लेनी है. तिनका तिनका छोड़ के मैं ये सब कर रहा हूँ. पापा इनका भी तो परिवार है ना, ये ना तिनका तिनका छोड़े. वो तू जूस भी देगा? अरे नहीं, ये इनके लिए नहीं है, कस्टमर के लिए. मैंने कितनी बार कहा है कस्टमर को सिर्फ चलचिरा पिलाया कर. अरे वो हमारा अवस्थी साड़ी भंडार है ना, वहाँ पे एक लेडी ग्राहक की नाक फूट गई, पुतला गिर गया ना उनके ऊपर. पुतला गिर गया? अरे चल 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 चल. अरे आता हूँ मैं भी. ये आप 500 रुपए रखे हैं, वो आपका नुकसान हुआ ना. अरे हाँ, पैसा तो ले गए. सॉरी. हाँ अब तो ना मैं पुलिस बुलवाऊंगी, समझे तुम लोग? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है मैडम? बुलवाऊंगी, देखना. मैडम आपके लिए ऑरेंज जूस. हाँ बहुत बढ़िया है, मैंने खुद टेस्ट किया. रखो.
मैडम कहाँ है? तुम लोग वो मैडम कहाँ है? मैं सरगम के ये सारे साथी सारे साथी सारे साथी अब तो पक्का आने वाली है पुलिस, समझे तुम सबके साथ? किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। देखिए प्लीज आप नाराज मत होइए, हम सबकी तरफ से सॉरी। आप साड़ी में 500 रुपए डिस्काउंट रख लीजिए, है ना पापा? सरगम, अभी अभी तो 500 रुपए बचा के आ रहा हूँ, यहाँ दे दोगी तुम? देखिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप 500 रुपए का डिस्काउंट रख लीजिए। यही तो कब से कह रही थी इन लोगों को, नाक फोड़ दी मेरी। कम से कम 500 रुपए का डिस्काउंट तो दो मुझे। मैडम डिस्काउंट की बात बराबर है, लेकिन क्या हमने बोला था इस पुतले को आपके नाक पे गिरने के लिए? नहीं ना, और हमारा भी खर्चा तो हुआ है, वो डॉक्टर को बुलाया, पट्टी की, तो हमारा भी नुकसान और खर्चा दोनों है। भाई साहब 500 रुपए तो मांग रही हूँ, कौन से ज्यादा मांग रही हूँ, मेरी जान भी तो जा सकती थी ना। और अगर हमने आपको 500 का डिस्काउंट दे दिया तो हमारे दुकान के मालिक की जान चली जाएगी। कौन? आप। देखिए बस अब कोई डिस्कशंस नहीं, हम आपको 500 का डिस्काउंट दे देंगे। तो बस आप ना कल डिस्काउंट के साथ मेरी साड़ी को पैक करके रखेगा, समझे आप सब? मैं कल आती हूँ, चलिए बाय बाय। हेलो, अरे बबीता, अवस्थी साड़ी भंडार में नाक पे मैनिक्यून गिराओ और 500 का डिस्काउंट पाओ, समझी? सुनो, या मैं तिनका करके छोड़ रहा हूँ पैसे और तुम सब मिलकर लुटवाओ। पापा अब आप दुकान में पुरानी मैनिक्विन रखेंगे तो यही होगा ना? अरे दुकान बंद करने के बजाय मैनिक्विन नहीं लाइए। नहीं मैनिक्विन खरीदो, कब तक चलेंगे ये? हाँ नहीं मैनिक्विन क्या मुफ्त में आएगी? कल को कोई मर मरा गया तो जेल जाएंगे आप। जेल में रोटी मुफ्त आएगी। पर पापा मैनिक्विन की हालत खराब तो होगी, ये देखो ना सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही है। हाँ इस वाली मैनिक्विन ने तो 3 बार मेरी दही गिराई है खाना खाते वक्त। कैसे? इसीलिए तो इस दुकान में हम किसी भी पुतली के आसपास खड़े रहकर दही दाल जैसी गिरने वाली चीजें नहीं खाते। ठीक है, तो वो है ना अपना वो मुन्ना लेडीज पुतली बनाने वाला, उसके पास से एक सेकंड हैंड खरीद लेते हैं। अरे सेकंड हैंड मैनिक्विन? पापा मैनिक्विन तो दुकान का फेस होती है ना, उसे ही देख के तो कस्टमर्स अंदर आते हैं, तो वो तो आपको अच्छी लेनी पड़ेगी ना। गलत जगह पर तिनके मत जोड़ो, वरना हाथ में सिर्फ तिनके ही रह जाएंगे। वो राज मैनिक्विन वाला है ना, वहां से ले लेते हैं। ये सही है, A1 क्वालिटी की मैनिक्विन रखता है पापा। हाँ। राज वाला। हाय, आई एम राज, आपके पूरे फैमिली को मेरा प्रणाम और सलाम। एक से एक मैनिक्विन है मेरे पास। जी हाँ, एकदम यूनिक और डिफरेंट। छेदी जी, हम आपको लेडीज नहीं सुपर लेडीज से मिलाते हैं, जिनको देख के आपके लेडी कस्टमर्स भी एकदम खुश हो जाएंगी। आइए मिलिए, ये देखिए सुपर लेडी नंबर 1 मैनिक्विन कंगना। आइए आइए आइए, देखिए, ये जो है ना एकदम टॉप डिमांड में है अभी। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई भी सिचुएशन में खड़ी खड़ी सिर्फ तमाशा नहीं देखती, ये बोलती है बस आप इसे फीड कर दो। दिवाली सेल 20% डिस्काउंट। पापा ये तो कुछ नया है, मतलब बोल कर कस्टमर्स को बुलाने वाली मैनिक्विन। सो तो है पिताजी, महिलाओं का ध्यान इस पर अवश्य पड़ेगा, बिक्री अवश्य बढ़ेगी। सो तो है, एक नंबर मैनिक्विन है पापा। वैसे भी लेडीज लोगों को जब तक चिल्ला चिल्ला के ना बोलो उनको कुछ नहीं देता है। सो तो नहीं है, सो जा। ओके मूविंग ऑन। चेदी जी ये देखिए, इनसे मिलिए मैनिक्विन नंबर 2 दीपिका, ये एकदम स्पेशल है। पता है क्यों? देखिए लंबी है और साड़ी में क्या दिखेगी है अंकल। इसकी स्पेशल क्वालिटी, ये हाथ घुमा घुमा के कस्टमर्स का स्वागत करती है। आइए। हाँ उनका ध्यान रखती है, चाय पानी कॉफी नींबू पानी कोल्ड ड्रिंक शरबत सब कुछ पूछती है, बस आप फीड कर दो। क्या लाऊं आपके लिए, चाय या कॉफी? पापा ये कुछ नया है, मुझे नहीं लगता गाजियाबाद की किसी भी साड़ी की दुकान में ना ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। सो तो है।
और अगर कोई औरत घंटों हमारे दुकान पर बैठी रहे और सारी की सारी साड़ियां खुलवा कर एक भी साड़ी ना खरीदे तो उसको निकल हमारे दुकान से, हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया, ऐसा कह के भगाएगी? उसके लिए तो आप हो ना आशा भैया। सो तो है। ओके, मूविंग ऑन। ये देखिए, इनसे मिलिए, थर्ड सुपर लेडी कैटरीना। स्पेशल है ये, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से बोलती है। अरे भाई ये सब छोड़ो, पते की बात बताओ, इसका दाम क्या लोगे? जो आपको ठीक लगे आप वो दाम दे दीजिए। इनका ठीक आपको ठीक नहीं लगेगा। आप अपना दाम बताओ। अच्छा ठीक है, छेदी जी सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू, स्पेशल डिस्काउंट प्राइस 8,000, 6,000 और 4,000। बोलिए। 500 रुपया दूंगा, 500। पापा थोड़े तो पैसे बढ़ा लो। तेरी बात सही है, शगुन करते हैं, चलो 501 देता हूं। 501 में तो कंगना की घुंघराली विग भी नहीं मिलेगी छेदी जी। अरे तुझे पता नहीं है, हमारा वो मुन्ना है ना मैनेक्विन वाला, उसके पास से मैं 500 रुपये में ला सकता हूँ ये फीड कर ले तेरे दिमाग में। अच्छा चल, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, 500 दो। सरगम की ये साढ़े साथी। वाह आस्तिक, कितनी बढ़िया पुतली है। मुन्ना पुतली वाले के पास से 500 रुपए में खरीदी है, सेकंड है, लेकिन यहाँ बाहर खड़ी कर दी तो लोग कैसे आकर्षित होकर हमारी दुकान में जा रहे थे। सत्य कहते हैं पिताजी, आज इस पुतली के आ जाने के बाद हमारी दुकान की बिक्री में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और इसे दुकान के अंदर कांच के पीछे न रखते हुए यहाँ बाहर रखने का मेरा आइडिया कैसा लगा? अति उत्तम पिताजी, है ना। अब ये खुले में रहेगी तभी तो लोगों की नजर ज्यादा पड़ेगी इस पर। हाँ भाई साहब, आज कुछ भी बोलो सेल बहुत तगड़ी हुई है। आशा भैया आज पापा से कह के सबके लिए रॉयल फलूदा मंगवाएंगे, है ना? हाँ हो गई टोटल, बुला सबको। सबको देखो, एक एंथनी है, एक शर्मा है। पिताजी को बुला जा। अच्छा भैया एक पापा देना, अब एक चाय देना। पापा हो गया है सब, चलो। हो गया? हाँ चलो, चाय कैंसिल। अरे आओ देखे कितनी दौलत कमाई है आज हमने। क्या कर रहे हैं ये? इन्हें अंदर? अरे नहीं नहीं नहीं, यहीं पर रख, दुकान बंद होने में 15 मिनट और लोग आएंगे। पिताजी, गुरुजी, कहते हैं कि लालच। जाता हूं, पता है, लेकिन इसे यहीं पे रख। मैं तो कहता हूँ कि कल इसे बीच बाजार में रखेंगे। क्यों? ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा कमाई होगी। आओ बताओ बताओ, मुझे टोटल बताओ, कल के मुकाबले कितना ज्यादा सेल हुआ है? क्या ज्यादा, सुबह से शाम तक पीठ तुड़वाओ, 2200 बिक्री हुई है सर। 2200? कैलकुलेट तो ठीक से करो भैया, 2200 नहीं, 22,200 की सेल हुई है पापा। गणित पे गोल, 22,200। कमाल कर दिया। थैंक यू। तुम सबने नहीं, अरे ये बाहर खड़ी हुई मैनेक्विन से, जो मैं मुन्ना मैनेक्विन वाले के वहां से ले आया हूँ, सेकंड हैंड। वो सेकंड हैंड? हाँ हाँ, लेकिन सेकंड फर्स्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ अपनी किस्मत लेकर आता है। अब देखो उस पुतली की वजह से हमारी सेल दुगनी हो गई, सब उस पुतली के शुभ चरणों का नतीजा है। वो नई मैनेक्विन बाहर क्यों खड़ी की है? अरे सरगम, कमाल कर दिया उस मैनेक्विन ने, हमारी सेल दुगनी हो गई। वो सेकंड हैंड मैनेक्विन? हाँ, अरे वही शुभ निकला। सच्ची? कल सुबह से रोज उसी की आरती करेंगे। हाँ, अरे देख तू एक काम कर, ये ले जा, और नहीं तू नहीं, तू नहीं, अरे सरगम जा, रॉयल फलूदा ले आ सबके लिए, जा। रॉयल फलूदा? हाँ। लेकिन हमने तो मांगा भी नहीं। बिना मांगे आज सब कुछ मिलेगा।
तो पापा प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दो ना। वो नहीं है, वहां बाहर नहीं है। अरे यार, ये फलूदे वाले को भी आज ही जाना था। अरे एक मिनट, आज पिताजी का दिल पिघला है, मैं अभी आइसक्रीम मंगाता हूँ चौराहे। अरे वो वाला, अरे एक भी फोन चालू नहीं है। नहीं नहीं पापा, वो बाहर नया मैनिक्विन नहीं है, वो बाहर गायब हो गया है। क्या? सरगम के ये सारे साथी, सारे साथी, सारे साथी। सरगम के ये सारे साथी, सारे साथी, सारे साथी, सारे साथी, सारे साथी। बाबूजी, सरे बाजार दिन दहाड़े मेरी दुकान से वो चोरी कर गया पुतला, वो कौन हो सकता है? अरे ये कैसा चोर है पापा, मतलब मैनिक्विन कौन चुरा के लेके जाता है? और बाप मरा जा रहा है और यहाँ फालूदे में घुसे हैं लोग। ऐसा भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आज के दिन ना मंगवाए। 500 रुपए की सेकंड हैंड मैनिक्विन चोरी हुई है आपकी, कोई खजाना लूट के नहीं गया है? अरे करोड़ों की कीमत की थी वो, पता नहीं तुझे कैसे उसके आते ही दुकान की किस्मत बदल गई थी। अरे तो मुन्ना मैनिक्विन वाले से दूसरा मंगा लीजिए वैसा ही। नहीं, मुझे वही चाहिए। हाँ हेलो, 100 फालूदा स्टेशन। मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन। हाँ जी हाँ, मैं छेदीलाल अवस्थी बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। मेरी साड़ी की दुकान में चोरी हो गई है सर। कितने का माल? नहीं नहीं, साड़ी चोरी नहीं हुई है, पुतली की चोरी हुई है। वो मैनिक्विन बोलते हैं ना जिसको, जिसपे साड़ी ऐसे चढ़ा के दिखाते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। पापा फोन पे है वो, उनको दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, सुनाई भी नहीं दे रहा, काट दिया। बस यही काम है पुलिस को, सारा दिन आपकी पुतली ढूंढते बैठे। अगर वो नहीं ढूंढेंगे तो मैं ढूंढूंगा, लेकिन मुझे वही पुतली चाहिए सरगम। मुझे वही पुतली चाहिए सरगम। उसका तो एक ही तरीका है पापा, हमको ना फिर से चोर को बुलाना पड़ेगा, जाल बिछानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब इस बार हम लोग जान बूझ के बकरी को बांधेंगे और मचान पर बैठ कर देखेंगे, शेर शिकार करने आएगा और खुद हमारी जाल में फंस जाएगा। ये बकरी और मचान का खर्चा कितना होगा? सारे साथी। चल 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 चल। चलो। इतनी लंबी रस्सी। पापा, ये रस्सी तो बहुत लंबी है, थोड़ी काट के बाकी बचा के ले आऊं क्या? नहीं नहीं, जो बोला है उतना कर। तो काट काट के रस्सी के छोटे टुकड़े कर देते हो, फिर वो छोटे टुकड़े किसी काम में नहीं आते। ठीक है, ये ले पकड़ रस्सी ला। हाँ ये लो। हेलो, हाँ बकरी को रस्सी बांध दी, ओवर एंड आउट। एक काम करो, जल्दी से दुकान में आ जाओ। अब ठीक है तो अभी ओवर एंड आउट। अंदर जा। आप नहीं आ रहे हो क्या? बेजाना। ये लीजिए पापा, अब और किसको बांधना है? ऐसे क्या देख रहे हैं सब? आस्ती जी, पिताजी इधर आओ, इसे बांधना है। अरे भैया, वहां पे चोर पुतला उठाएगा, रस्सी खींचेगी तो हमें यहाँ पे पता चलेगा। यार लेकिन हमें ही क्यों? भगवान को माध्यम बना के चोर को पकड़ना है ना। देख बेटा, हम सब में सबसे सच्चा कौन? हम। सबसे साधा कौन? हम। सबसे भोला कौन? हम। तो बंधेगा कौन? हम। अरे नहीं, नहीं, नहीं। और हम ह्यूमन बॉडी के एंड्योरेंस को स्ट्रेच करके फुल स्पीड से बाहर अप्रोच करेंगे। अरे क्या बोल रहा है? भाग के जाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा, लेकिन हमारी बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? बलि नहीं, जैसे रस्सी खींचेगी वहां चोर पकड़ा जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी प्लीज सब लोग जाओ, नॉर्मल बिहेव करो ना, वरना चोर को पता चल जाएगा कि हमने कोई जाल बिछाई है। चलो चलो चलो। अरे पिताजी, अरे हिसाब कितना हुआ है? अरे वो मैं तुझे क्यों बताऊं? पापा भैया, इतना नॉर्मल भी मत बिहेव करो।
साड़ी बेचनी है, चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.